हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ बेटी इजी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाला रेसिपी है। जब भी आपको रोटी सब्जी ना बनाने का मन हो तो इस रेसिपी को आप बनाकर तैयार कर लीजिए और फिर फटाफट से खाने के लिए तैयारी करिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक गहरा बर्तन ले लेती हूँ, फिर मैं लेती हूँ एक कटोरी चावल का आटा है हमारा, मैंने इसको छान लिया है पहले से ही। फिर थोड़ा सा मैं इसमें और भी ले लेती हूँ। और देखिए, मैं मुझे इसमें कुछ सामान ऐड करना है। मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, फिर मैं डालती हूँ इसमें खड़ा जीरा है हमारा, इसमें मैं डाल देती हूँ खड़ा जीरा, ये लाल मिर्च है हमारा कटा हुआ, रेड चिली, और मैंने यहाँ पर लिया हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, और 2 चम्मच यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सरसों तेल नहीं डालिएगा। फिर मैं चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने मिक्स कर लिया है, फिर चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया था, ये हमारा गर्म पानी है फ्रेंड्स। अब गर्म पानी में ये हमें गूंथना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। अभी हम हाथ से नहीं छुएंगे क्योंकि पानी हमारा बहुत ही गर्म है। फिर थोड़ा सा और मैं इसमें ऐड करती हूँ पानी। तो मैंने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है, फिर चलिए हाथ की मदद से मैं इसे गूंथ लेती हूँ, क्योंकि सारा आटा तो मैं चम्मच से नहीं गूंथ सकती हूँ। तो हाथ से ऐसे ही मलमल के हम आटे को गूंथेंगे। एक सॉफ्ट सा हमें डो बनाकर तैयार करना है। तो पानी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है और भी पानी डालना चाहिए, तो मैं 2 चम्मच और भी इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो एक सॉफ्ट सा डो बनके हमारा तैयार हो गया है। फिर मैं इसे 5 मिनट के लिए सिर्फ हमें इसे ढक कर रख देना है। तो 5 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रेसिपी है बहुत ही झटपट से बनकर तैयार होने वाला। तो फिर आटे में से मैं क्या करती हूँ कि छोटे छोटे लोई को मैं तोड़ लूँगी। तो इसी तरह से सारे लोई को मैं तोड़ कर मैं तैयार कर लेती हूँ, एकदम छोटा छोटा तैयार करना फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप, मैं कितना छोटा छोटा तोड़ कर तैयार कर ली हूँ सारा लोई। फिर क्या करूँगी, एक एक लोई को लेकर एक छोटा छोटा बॉल बना कर तैयार कर लूँगी। इसी तरह से आपको सारे बॉल बना कर तैयार कर लेना है। तो सारे बॉल बना कर मैंने तैयार कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाकर खाइएगा आप भी ज़रूर, अपने घर में बनाकर एक बार ज़रूर खिलाइएगा सबको, फिर आप सबके मुंह से तारीफ़ सुनने लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक भगोने में 1 गिलास पानी रख दिया है उबलने के लिए। फिर मैं यहाँ पर लेती हूँ जाली वाली प्लेट, इसमें मैं क्या करूँगी थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ जिससे हमारा चिपकेगा नहीं बॉल। फिर पानी खोल जाने के बाद से हम जाली वाली थाली रख देंगे, उसके बाद से सारे बॉल को मैं इसमें रख लेती हूँ। फिर फ्रेंड्स, मैं इसे क्या करूँगी कि 2 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देना है। इसी 5 मिनट में बनके हमारी रेसिपी तैयार हो जाता है। फिर 2 मिनट बाद मैं प्लेट हटाकर आपको दिखाती हूँ। 1 चम्मच की मदद से या चाकू की मदद से इसे हल्के हल्के हम चलाकर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, अपने जगह से ही हट जा रहा, अच्छे से चिपका बिल्कुल नहीं है प्लेट में। फिर ऐसे ऊपर नीचे इसको चलाने के बाद हम क्या करेंगे कि 3 मिनट के लिए सिर्फ और इसे हमें ढक के रख देना है। फिर 3 मिनट बाद मैं आपको प्लेट हटाकर दिखाती हूँ। ये रेसिपी हमारा बन के तैयार हो गया। टोटल समय हमें सिर्फ इसमें 5 मिनट लगता है। 5 मिनट में ये झटपट से बन के तैयार हो जाता है और ये बहुत ही चटपटा स्पाइसी बन के तैयार होता है। तो चलिए, हमारा बन गया। फिर मैं दूसरे प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे, इस बॉल को ऐसे ही खा सकती हैं, चाय के साथ खा लीजिए या नाश्ते में ले लीजिए सुबह के टाइम में। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। अगर इसे आप थोड़ा सा और भी थोड़ा सा चटपटा बनाना चाहती हैं तो चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया कढ़ाई, कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें डाली हूँ 1 चम्मच देसी घी
और थोड़ा सा ये हमारे राई है, मैं राई डाल देती हूँ, काला सरसों, कहीं कहीं से काला सरसों भी बोलते हैं। राई जब चटकने लगेगा तो फिर इसमें हम राइस बॉल को डाल देंगे। फिर थोड़ी देर के लिए इसे हमें फ्राई करना है, भूनना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे हमें भूनना है फ्रेंड, ज़्यादा नहीं भुनेगा। फिर मैं इसके ऊपर डालती हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर, आप चाहें तो इसके ऊपर मैगी मसाला भी डाल सकती हैं तो और भी चटपटा सा हो जाएगा, स्वाद भी और भी टेस्टी लगेगा, पर जीरा से भी बहुत ही परफेक्ट आता है ये स्वाद। और फिर इसके बाद से बनने के बाद से मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर नींबू, पर सॉरी मैं दिखाना भूल गई हूँ आपको, आप इसके ऊपर से थोड़ा सा नींबू भी डाल सकती हैं। तो लीजिए हमारा भून गया, फिर मैं फटाफट से इसे चलिए मैं निकाल लेती हूँ सर्व करने के लिए। इसे गर्मा गर्म सर्व करिए आप। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसी लगी, और आप भी अपने घर में ज़रूर से बनाकर ट्राई करिएगा। चावल काटा तो सबके घर में रहता है, तो देख सकते हैं इसका कितना प्यारा सा लुक आया है। फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टमाटो सॉस डाल देती हूँ, आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।